पहले मैं नारी शक्ति को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। नारी शक्ति, भारत सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी तो बेटियां हैं। ये जो यहां पर बैठी हैं ये भी बेटियां हैं, बहने हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं और अपने हक के लिए यहां खड़ी हुई है। केजरीवाल साहब जो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, जब सरकार नहीं बनी थी रोड़ों की खाक छान रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उनको इस आंदोलन की महत्ता का पता था। अन्ना हजारे साहब के स्टेज पे बैठते थे, कहते गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती। आज वो खुद गवर्नमेंट में है, क्या हमारी ये आशा नारी शक्ति क्या इसकी सुन रही नहीं सुन रहे ना। पहले 24 घंटे मोदी मोदी करता था, अब गलती से शायद फेविकॉल पी गया रायता समझते। और रायता ऐसा पिया कि उच्च सक नहीं रहा, बोल नहीं रहा। आप कई दिनों से यहां बैठी हैं और इनडेफिनिट स्ट्राइक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठी हैं। इस चीज का मैसेज उन तक गया, क्योंकि अभी तक लोग कहते थे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। मैं कहता हूं जहां ना पहुंचे दिवाकर वहां पहुंचे आशा वर्कर। आशा वर्कर हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गली में पहुंच रही है। ये आशा वर्कर ही हैं जो बच्चों की मृत्यु दर जो एक या तो सुख प्राप्त महिलाएं करती हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाती, नहीं तो घर पे ही डिलीवरी होती थी, बहुत सारी महिलाएं मर जाती। ये मातृशक्ति नारी शक्ति आशा वर्कर, उनको इंसेंटिव दिया जाता तनख्वाह नहीं, इंसेंटिव अपमान है ये। मैं नारी शक्ति महिला शक्ति आशा वर्कर की तरफ से कहना चाहता हूं कि कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस अपने दिल की कहते हैं हम। अपमान जब हमारा होता है तो चुप नहीं रहते हैं हम। हमारी नारी शक्ति सवेरे घर पे चूल्हा चौका करके यहां आती है, सभी करके आती है, अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का, पर बड़े बुजुर्गों का पेट भर के आती, उनकी सेवा करके आती, सारे दिन बैठेगी यहां और शाम को फिर घर जाके वही चूल्हा चौका। क्या ये केजरीवाल को नहीं दिखता? अरे भाई तूने फेविकॉल ही पिया है या कान में तक कुछ गर्मा गर्म उल्टा सीधा चीज भी डाल ली? हमारी नारी शक्ति महिला शक्ति की ये सुने, इनको सरकारी कर्मचारी तुरंत घोषित करो। जब सरकार नहीं बनी थी तो कहते थे डीटीसी में ठेका कर्मी बन सबको परमानेंट, एनसीडी में ठेका कर्मी बन सबको परमानेंट, आशा वर्कर ठेका लिए इंसेंटिव बन परमानेंट, सबको नौकरी देने की बात कही थी। आज क्या कह रहे हैं? आज सुनने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं है सुनने को तैयार नहीं है, हर बात उसके कानों तक जा रही है। आज जो ये बड़े बड़े लीडर हॉस्पिटल से आए हैं आपको पूरा समर्थन देने के लिए, आपका हौसला अफजाई करने के लिए, ऊपर तक चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एमसीडी हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, सब तक ये मैसेज भेज रहे हैं कि हम सब एक हैं। हमसे टकराओगे तो तुम चीज हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ दो चार नारे लगाए आप लोग। मैं कहूंगा अपना हक हम लेके रहेंगे, आप कहेंगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मैं कहूंगा कैसे लोगे, आप कहोगे संघर्ष करेंगे। मैं कहूंगा कौन करेगा, आप कहोगे हम करेंगे। अपना हक हम लेके रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। कैसे लोगे, कैसे लोगे, कौन करेगा, आप करोगे, आप करोगे, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे, मेरे साथ करोगे, आप करोगे, मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे। हम अपना हक लेना चाहते हैं।
संघर्ष करना जानते हैं। हम लड़ना भले ही ना जानते हो, लेकिन हम सब संघर्ष करना जानते हैं। अपना हक हम लेके रहेंगे, क्योंकि इंसान के सच्चे सपनों में जब आग लगाई जाती है, तलवारें उठा ली जाती हैं और बांसुरी फेंक दी जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद।